Spotify was free until this happened. 2000s में Napster और प्राइवेट बे जैसी वेबसाइट को आप यूज करके फ्री में गाना सुन सकते थे विदाउट एनी एड्स. अब यूजर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट उतनी ही बुरी बात ये म्यूजिक लेबल्स और आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज दे वरंट मेकिंग एनी मनी. पीपल वरंट बाइंग देयर सीडीज, कैसेट्स एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से डायरेक्ट नुकसान सोनी और वार्नर म्यूजिक जैसे लोगों को हो रहा था. रिजल्ट, मैसिव लॉसेस एंड मैसिव लेऑफ्स फ्रॉम दिस कंपनीज. तभी डैनियल एक ने स्पॉटिफाई बिल्ड करने का सोचा, विच विल जस्ट बी लाइक नैपस्टर बट ओनली लीगल, एंड द बिजनेस मॉडल वुड बी दैट एड्स रन करेंगे एंड 70% ऑफ द रेवेन्यू विल गो टू दिस लेबल कंपनीज विच होल्ड द राइट्स टू दिस म्यूजिक. बट जितना आसान सुनाई देता है ना, उतना आसान है नहीं. नेटफ्लिक्स की सीरीज प्लेलिस्ट में आप देखोगे कि डैनियल को बहुत दिक्कतें आई लेबल कंपनी से राइट लेने के लिए, बिकॉज वो मान ही नहीं रहे थे. बट बिना लाइसेंस के स्पॉटिफाई का पूरा आइडिया ही फेल हो जाता, एंड दैट इज व्हेन दे अग्री टू स्टार्ट अ फ्रीमियम मॉडल जहां पे रेगुलर इनकम आती जाए इन एडिशन टू द 70% स्प्लिट. एंड दैट्स हाउ स्पॉटिफाई वाज बॉर्न. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हैव यू वॉच्ड द प्लेलिस्ट ऑन नेटफ्लिक्स? कमेंट योर थॉट्स अबाउट स्पॉटिफाई एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स.